Hello student, I am Harpreet, I am your Punjabi teacher. Okay, हाँ जी बच्चे जेड़ी तुहाडी पाठ पुस्तक है उसका जो पहला पाठ है वो अपनी कविता है जिसका सरलेख है मेरा देश देश मेरा. ओके एंड ते बच्चे आपां इहदे तो आपां नूं की मैसेज मिलता जां संदेश मिलता है वो आपां एंड ते इहदे बारे चर्चा करांगे. आओ बच्चों आपां कविता रीड करिए. ए मेरी आन है, ए मेरी शान है, देश मेरा जिंद मेरी जान है. इसका मतलब ये है कि मेरा देश मेरी इज्जत है, मेरी आन है, मेरी बान है, मेरी शान है, ते मेरी जिंद जान मतलब मेरी जिंदगी ही मेरा देश है. इस दी मिट्टी विच तड़के जिंदगी कर दी है कुदरत वी इस दी बंदगी. मेरे देश दी मिट्टी विच मेरी जिंदगी तड़कदी है, मेरी जिंद जान वसदी है, ते कुदरत भी इस दी बंदगी करदी है, कुदरत भी इस नू पूजदी है. हाँ जी नेक्स्ट लाइन. सजदा करदा इस नू आसमान है, देश मेरा मेरी जिंद जान है. मेरे देश दी धरती नू मेरे देश नू आसमान भी सिजदा करदा. सिजदा मतलब ओ भी मेरे देश अगे सिर झुकांदा है. हाँ जी बच्चे अगले सत्र दे वल जांदे हां. देश मेरा जिंद मेरी जान है, सानू कोई अख दिखा सकदा नहीं, कोई दुश्मन बच के जा सकदा नहीं. इसका मतलब कोई भी दुश्मन सानू डरा नहीं सकदा, मतलब साडी धरती ते साडे देश दे विच सानू कोई भी दुश्मन डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, कोई दुश्मन बच के जा सकता नहीं. अगर कोई भी दुश्मन अपना साडे ते हमला करता है तो वह सुक्का मतलब बच के नहीं जा सकता. नेक्स्ट. बच्चा बच्चा इस दा बलवान है, देश मेरा मेरी जिंद जान है. मतलब साडे देश दा बच्चा बच्चा बच्चे जवान नौजवान सारे बहुत ही ज्यादा ताकतवर ते बलवान हन. नेक्स्ट लाइन. अणख सानू है प्यारी इस देश दी, अणख सानू है प्यारी इस देश दी, सानू हर एक शै प्यारी है इस देश दी. मतलब सानू अपने देश दी इज्जत बहुत ही ज्यादा प्यारी है. सानू शै दा मतलब चीज, सानू हर एक चीज जेड़ी सारी कोई भी देश भगती दी चीज है जो साडे देश दे नाल रिलेटेड है वो सानू बहुत ही ज्यादा प्यारी है. हाँ जी नेक्स्ट लाइन. देश मेरा जिंद मेरी जान है, दुनिया विच साडा नारा है अमन, होर महके सारी दुनिया दा ए चमन. अमन दा मतलब शांति प्यार, अति चमन दा मतलब है बाग जां असी बगीचा कह सकते हाँ. मेरा देश साड़ी दुनिया दे विच एही नारा है कि अमन शांति दे नाल रहो. किसी भी देश विच आपां दुनिया दे किसी भी कोने विच रह रहे हाँ तां असी अमन ते शांति दे नाल प्यार दे नाल रहिए. हाँ जी नेक्स्ट लाइन दे विच. होर महके सारी दुनिया दा चमन मतलब सारी दुनिया दे विच किसी भी देश दे किसी भी कोने विच रहिए आपां ता चमन मतलब बाग बगीचे दी तरह महक दे रहिए, हरे परे रहिए. हाँ जी नेक्स्ट लाइन. एही कुछ कह रहा साडा संविधान है, देश मेरा मेरी जिंद जान है. मतलब साडा संविधान भी सानू एही कुछ कह रहा है, मिलजुल के रहो, शांति दे नाल रहो, ईमान दे नाल रहो. मेरा देश मेरी जिंद जान है, मेरा देश मैनू अपनी जिंद जान तो भी प्यारा है. नेक्स्ट लाइन. ए मेरी आन है, ए मेरी शान है, देश मेरा मेरी जिंद जान है. मतलब मेरा देश मेरी शान है, मेरी इज्जत है, मेरा देश मेरी मैनू जान तो सदके जिंदगी तो भी प्यारा है. हाँ जी बच्चे एंड ते सानू ए कविता तो सानू की संदेश मिलता है. सानू मेरा देश कविता तो ए संदेश मिलता है कि सानू अपने देश दे विच
प्यार मुहब्बत दे नाल अपनिया प्यार भरिया भावनावां नूं प्रगट करते हुए समुचे विश्व दे विच अमन शांति दे नाल आपां मिलजुल के रहिए। हाँ जी स्टूडेंट, आपां जिहड़ी कविता दे विच औखे शब्द आए आ एक बार आपां उन्हां बारे डिस्कशन करदे हाँ। सब तो पहला तुहाडी कविता दे विच जिंदगी धड़कना शब्द आया है। जिंदगी धड़कना जिसका मतलब जिंदगी का होना, ठीक है, जो ज्यौदे रहन मतलब जिंदगी का होना। एक होर शब्द तुहाडी कविता दे विच आया बंदगी। बंदगी का की मतलब है? बंदगी का मतलब भगती करना, पूजा करना। नैक्सट तुहाडी कविता दे विच औखा शब्द आया है सजदा करना। सजदा करना का मतलब है सिर झुकाना, सिर निवा के रहना। एक होर शब्द है अख दिखाउणा। अख दिखाउणा दा मतलब किसे नूं डराउणा जां धमकाउणा। नैक्सट एक होर शब्द है शै। शै दा मतलब कोई भी वस्तु जां चीज। लास्ट एक शब्द है अपना अमन। अमन दा मतलब शांति बना के रखना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।